दर्शकों, स्वागत है आज के हमारे ज्योतिषीय कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी परिचय के तौर पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम में आज उपस्थित हो सकते हैं। मालव्य योग के लिए कुंडली में कई बार जो पिछली वीडियोज मैंने बनाई थी उसमें मैंने संपूर्ण जानकारी दी थी और एक व्हाइट बोर्ड के जरिए मैंने पूरे योग को समझाने का प्रयास किया था। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी तमाम लिंक है और प्ले लिस्ट में भी आप जाकर के उस वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन कई बार लोगों का प्रश्न रहता है, कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ, मेल भी आती रहती हैं और व्हाट्सएप पर भी संदेश आते रहते हैं कि हमारी कुंडली में ये योग है लेकिन इससे संबंधित फल हमको नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो वो क्यों नहीं मिल रहा है मैंने उस वीडियो में आपको विस्तार से समझाया। आप अपनी जन्म कुंडली खुद घर बैठे दिखवा भी सकते हैं और उसकी जानकारी ले भी सकते हैं और उस योग को प्रभावी भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम जब चर्चा मालव्य योग करेंगे तो सीधा सूत्र आपको बता देता हूं। जन्म कुंडली में अगर केंद्र में केंद्र आप समझ रहे होंगे 1, 4, 7 और 10 स्थान, ये दस चारों घर के अंदर अगर शुक्रदेव स्वग्रही होकर के उच्च होकर के अगर अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, इस स्थिति के साथ में बैठे, तो ये मालव्य योग का निर्माण होता है। सीधा सीधा इसका एक सूत्र है। अब ये कैसे फल देंगे, कब देंगे, क्या क्या इसका मेथड है, वो मैं उस वीडियो में आपको समझा चुका हूं। विशेषतः जब अब इनकी दशाएं आती हैं, गोचर काल में शुक्र इस तरह से चल करके आते हैं तो उसका विशेष फल, विशेष प्रभाव जो है उन दशा काल में देखने को मिलता है। दर्शकों, ये था मालव्य योग की एक सूक्ष्म चर्चा। बृहद रूप में देखने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो पहले विस्तार से आपके साथ समझा चुका हूं। आप बने रहें और हमें दीजिए।